हेलो फ्रेंड्स मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों आज का टॉपिक है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीडी द कॉम्पैक्ट डिस्क इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क यानी एक कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क की टाइप होते हैं दैट यूजेस कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी जिसका उपयोग कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज होती है ए सी डी इज ए पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम यानी एक सीडी एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है दैट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड स्टोर एंड प्लेबैक ऑडियो वीडियो एंड अदर डाटा इन डिजिटल फॉर्म यानी इसका उपयोग स्टोर और प्लेबैक ऑडियो वीडियो और अन्य डाटा को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है सीडीज दैट लुक लाइक राउंड डिस्क टाइपिकल सी डीज आर ट्वेल्व सेंटीमीटर इन डाया मीटर वन पॉइंट टू एम एम थिक एंड वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन डायामीटर इन देंटर सर्कल यानि सी डी जो है वो गोल्ड डिस्क की तरह दिख रही है विशिष्ट जो सी डी है वो ट्वेल्व सेमी बैस है और वन पॉइंट टू एम एम है और डिक्स के केंद्र पर जो सर्कल होती है उसका डायामीटर है वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो यथा सी डी क्या है उसके बाद में बात करती हूँ दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ कॉम्पेक्टिक्स एट फास्ट एच सी डी इन्वेंटेड इन दर नाइनटीन सिक्सटी फाइव अमेरिकन फिजिक्स्ट जेम्स रसिल यानी नाइनटीन सिक्सटी पर सी डी को जो पहली बार इन्वेंट किया है वो है अमेरिकन जेम्स and the CD डी introduced इंट्रोड्यूस्ड Philips फिलिप्स Sony in इन नाइनटीन और नाइनटीन एट्टी पर फिलिप्स और सनी कंपनी ने सी डी को इंट्रोड्यूस्ड किया था एंड रिलीज इन नाइनटीन एट्टी टू और नाइनटीन एट्टी टू पर रिलीज किया था तो ये था हिस्ट्री ऑफ कॉम्पैक्ट डिक्स उसके बाद अगला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सी डी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सी डीज पहला सी डी आर यानी कॉम्पैक्ट रिकॉर्डेबल उसके बाद सी डी रोम यानी कॉम्पैक्ट ओनली मेमोरी और सी डी आर डब्ल्यू यानी कॉम्पैक्ट डिस् रीराइटेबल तो ये मैं एक एक डिस्कस करती हूँ तो पहले बात करती हूँ सी डी आर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल दिस टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस् कैन बी रिटेन ओनली वंस एंड कैन नॉट इरेज्ड यानी इस प्रकार कॉम्पैक्ट डिस्क पर एक बार ही लिखा जा सकता है और उसे इरेज भी किया नहीं जा सकता दे हैव ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सेवन हंड्रेड टू एट हंड्रेड एम

यानी यह आमतौर पर केवल एक बार ही सेव किया जाता है लेकिन मल्टी सेशन सुविधा की मदद से इसे एक से अधिक बार लिखा या बर्न किया जा सकता है जब तक सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भर ना जाए तो यथा सी डी आर क्या है उसके बाद मैं बात करती हूँ सी डी यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी करने की बात ए रोम की तरह यूज होता है दैट इच कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर और उससे बाद में अपडेट किया नहीं जा सकता तो ये था सी डी रॉम उसके बाद में बात करती हूँ सी डी आर डब्ल्यू यानी कम्फेक्ट डिस्क रिराइटेबल दिस टाइप ऑफ कंपैक्ट डिस् कैन बी रिटिन मल्टीपल टाइम्स एंड कैन बी इरेज ऑल्सो लाइक पेनड्राइव यानी इस प्रकार की कंपेक्ट डिस्क पर कई बार लिखा जा सकता है और इसे इरेज भी किया जा सकता है लाइक पेनड्राइव यानी पेनड्राइव की तरह ए सी डी आर डब्ल्यू ड्राइव और सी डी राइटर इच नीडेड टू रीड और राइट इंफॉर्मेशन इन सी डी आर डब्ल्यू यानी सी डी पर इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए सी डी ड्राइव और सी डी राइटर की जरूरत पड़ती है इट कैन ऑल्सो बी यूज टू राइट ऑडियो वीडियो और एनी डाटा फाइल यानी इसका उपयोग ऑडियो वीडियो या अन्य अन्य डाटा फाइल को राइट करने के लिए किया जाता है तो यथा सी डी रीराइटेबल क्या है उसके बाद अगला क्वेश्चन एडवांटेज ऑफ सी डी इट इज इनएक्सपेंसिव यानी सी डी सस्ते होते हैं उसके बाद अगला पॉइंट इट कैन कैरेट आउट ईजिली यानी सी डी को आसानी से कैरी किया जा सकता है उसके बाद अगला पॉइंट इट यूजेस ए लेजर टू बर्न डाटा इन टू द डिस् सो दैट नो नॉइस इन द डाटा यानी सीडी पर जो डाटा बारन किया जाता है वो लेजर बीम का यूज करके किया जाता है इसलिए डाटा में कोई शोर नहीं रहता है उसके बाद अगला पॉइंट सी डी प्रोवाइड से रैंडम डाटा एक्सेस यानी सी डी प्रोवाइड करते हैं पर जितना भी डाटा है उसे रैंडमली एक्सेस करने के लिए उसके बाद अगला पॉइंट सी इज इच ड्यूरेबल फॉर लॉन्ग टाइम यानी सी लंबे समय तक ड्यूरेबल होते हैं उसके बाद अगला पॉइंट सिक्योरिटी यानी सी पर जो डाटा होते हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ सी उसके बाद अगला क्वेश्चन डिसएडवांटेज ऑफ सी पहला पॉइंट इजी टू स्क्रैच यानी सी पर आसानी से स्क्रैच हो जाता है और स्क्रैच हो जाने पर उस पर डाटा लॉस हो जाता है उसके बाद अगला पॉइंट स्टोरेज कैपेसिटी इज लोअर यानी सिटी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है उसके बाद अगला पॉइंट राइट स्पीड इज स्लोअर यानी की रीड राइट स्पीड है वो स्लो है उसके बाद अगला पॉइंट टू बर्न वी नीट सॉफ्टवेयर यानी सिटी पर बर्न करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है सो बर्निंग इज नॉट मच इजी एज हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव यानी इसमें बार्निंग करना इतना आसान नहीं है जितना हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव पर है उसके बाद अगला पॉइंट लेस फ्लैक्सीबिलिटी यानी सीडी कम फ्लेक्सिबिलिटी होता है तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ सीडी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप ऑप्टिकल टिक्स क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करना और पेन ड्राइव क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना